हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल पंडित और आज की वीडियो में हम बात करेंगे द वाइपर और द लेजेंड किलर रैंडी ओटन, द बीस्ट स्लेयर सेथ रोलिंस और द डोमिनेटर बॉबी लेस्ली के बारे में कि रैंडी ओटन वर्सेस सेथ रोलिंस वर्सेस बॉबी लेस्ली में से रियल में कौन तगड़ा है, वो भी नंबर वाइज, कि नंबर वन पर कौन है, नंबर टू पर कौन है और नंबर थ्री पर कौन है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे इन तीनों सुपरस्टार की हाइट और वेट को लेकर, बॉडी की मस्कुलैरिटी को लेकर, टाइटल्स को लेकर, फाइट्स को लेकर, फिनिशिंग मूव्स को लेकर और अपने फाइनल डिसीजन को लेकर कि इन तीनों में से रियल में कौन तगड़ा है, वो भी नंबर वाइज। तो दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है कुछ ज्यादा ही खास, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इन तीनों सुपरस्टार की हाइट और वेट के बारे में। तो रैंडी ओटन की हाइट है 6 फुट 5 इंच और वेट 250 पाउंड, सेथ रोलिंस की हाइट है 6 फुट 1 इंच और वेट 218 पाउंड और बॉबी लेस्ली की हाइट है 6 फुट 2 इंच और वेट 260 पाउंड। लेकिन जहां बात आती है बॉडी की मस्कुलैरिटी की, तो बॉबी लेस्ली की बॉडी रैंडी ओटन और सेथ रोलिंस के मुकाबले ज्यादा मस्कुलर है। दोस्तों, अगर हम बात करें टाइटल्स की, तो रैंडी ओटन 9 टाइम WWE चैंपियन, 4 टाइम वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन, 1 टाइम इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, 1 टाइम यूनाइटेड स्टेट चैंपियन, 1 टाइम वर्ल्ड टैग टीम चैंपियन और 1 टाइम WWE टैग टीम चैंपियन भी रह चुके हैं। इसके अलावा रैंडी ओटन 2013 के मनी इन द बैंक विनर और 2 टाइम रॉयल रंबल विनर भी रह चुके हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें सेथ रोलिंस के बारे में, तो सेथ रोलिंस 2 टाइम वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन, 2 टाइम यूनिवर्सल चैंपियन, 2 टाइम इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, 1 टाइम यूनाइटेड स्टेट चैंपियन, 5 टाइम रो टैग टीम चैंपियन और 1 टाइम NXT चैंपियन भी रह चुके हैं। इसके अलावा सेथ रोलिंस 2014 के मनी इन द बैंक विनर और 2019 के रॉयल रंबल विनर भी रह चुके हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें बॉबी लेस्ली के बारे में, तो बॉबी लेस्ली WWE में 2 टाइम ECW चैंपियन, 2 टाइम इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन और 1 टाइम यूनाइटेड स्टेट चैंपियन भी रह चुके हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें फाइट की, तो रैंडी ओटन ने फाइट में शॉन माइकल, एज, ट्रिपल एच, जॉन सीना और द अंडरटेकर जैसे महान सुपरस्टार को फाइट में हराया है। दोस्तों, अगर हम बात करें सेथ रोलिंस के बारे में, तो सेथ रोलिंस ने फाइट में रोमन रेंज, ट्रिपल एच, जॉन सीना, ब्रोक लेसनर और द स्टिंग जैसे महान सुपरस्टार को फाइट में हराया है। दोस्तों, अगर हम बात करें बॉबी लेस्ली के बारे में, तो बॉबी लेस्ली ने फाइट में फिन बैलर, इलायस, मार्क हेनरी, बिग शो और रोमन रेंज जैसे महान सुपरस्टार को फाइट में हराया है। दोस्तों, अगर हम बात करें फिनिशिंग मूव्स के बारे में, तो रैंडी ओटन अपने फिनिशर में RKO, सेथ रोलिंस कर्ब स्टॉम्प और बॉबी लेस्ली स्पीयर का यूज करते हैं। लेकिन रैंडी ओटन का RKO सेथ रोलिंस के कर्ब स्टॉम्प और बॉबी लेस्ली के स्पीयर से ज्यादा तगड़ा फिनिशिंग मूव है। दोस्तों, अब बात यह आती है कि इन तीनों में से रियल में कौन तगड़ा है, वो भी नंबर वाइज। तो दोस्तों, आज की वीडियो को हम थोड़ा स्पेशल बना देते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे WWE के हिसाब से इन तीनों में से कौन तगड़ा है, वो भी नंबर वाइज, और उसके बाद मेरे हिसाब से इन तीनों में से रियल में कौन तगड़ा है, वो भी नंबर वाइज। दोस्तों, अगर हम बात करें WWE की, तो WWE में जो सुपरस्टार फेस के कैरेक्टर में होता है, उसे काफी तगड़ा और ईमानदार दिखाया जाता है, और जो सुपरस्टार हील के कैरेक्टर में होता है, उसे काफी डरपोक और चीटर के रूप में दिखाया जाता है। दोस्तों, अगर हम बात करें सेथ रोलिंस के बारे में, तो आज के टाइम में सेथ रोलिंस WWE का सबसे बड़ा फेस सुपरस्टार है, और इसीलिए आज के टाइम में सेथ रोलिंस ब्रॉन स्ट्रोमैन और ब्रोक लेसनर जैसे तगड़े सुपरस्टार को फाइट में हरा देता है। दोस्तों, अगर हम बात करें बॉबी लेस्ली के बारे में, तो आज के टाइम में बॉबी लेस्ली को हील के कैरेक्टर में दिखाया जाता है, और इसीलिए सेथ रोलिंस बॉबी लेस्ली को फाइट में हरा देता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें रैंडी ओटन के बारे में, तो रैंडी ओटन एक ऐसा सुपरस्टार है जो हील के कैरेक्टर में होने के बावजूद ऑडियंस के दिलों पर राज करता है। इसके अलावा दोस्तों, जब रैंडी ओटन फेस के कैरेक्टर में था, तो रैंडी ओटन ने सेथ रोलिंस को भी फाइट में हरा दिया था। लेकिन दोस्तों, जहां बात आती है रियल फाइट की, तो रियल फाइट में बॉबी लेस्ली रैंडी ओटन और सेथ रोलिंस के मुकाबले ज्यादा तगड़ा सुपरस्टार है, क्योंकि दोस्तों बॉबी लेस्ली एक UFC फाइटर है। बॉबी लेस्ली का MMA रिकॉर्ड भी काफी तगड़ा है और बॉबी लेस्ली की बॉडी भी काफी ज्यादा मस्कुलर है। इसके अलावा दोस्तों, जहां बात आती है स्ट्रेंथ की, तो बॉबी लेस्ली के अंदर इतनी ताकत है कि बॉबी लेस्ली WWE के किसी भी भारी भरकम सुपरस्टार को आसानी से उठाकर पटक सकते हैं। दोस्तों, अब बात यह आती है कि इन तीनों में से कौन तगड़ा है, वो भी नंबर वाइज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे WWE के हिसाब से कौन तगड़ा है, वो भी नंबर वाइज, और उसके बाद रियल में कौन तगड़ा है, वो भी नंबर वाइज। तो प्लीज दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, अगर हम WWE के हिसाब से देखें, तो इन तीनों में सबसे तगड़ा नंबर वन पर रैंडी ओटन है, जो हील के कैरेक्टर में होने के बावजूद ऑडियंस के दिलों पर राज करता है और 13 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है। उसके बाद नंबर टू पर सेथ रोलिंस है, जो आज के टाइम में WWE का सबसे बड़ा फेस सुपरस्टार है, और नंबर थ्री पर है बॉबी लेस्ली, क्योंकि बॉबी लेस्ली को अभी तक इतना बड़ा पुश नहीं मिला है। लेकिन दोस्तों, जहां बात आती है रियल फाइट की, तो रियल फाइट में इन तीनों में सबसे तगड़ा नंबर वन पर बॉबी लेस्ली है, उसके बाद नंबर टू पर रैंडी ओटन है और नंबर थ्री पर है सेथ रोलिंस।
लेकिन दोस्तों ये मेरा ओपिनियन है, आपको क्या लगता है वो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं।